असलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट पार्चुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स की, तो इस सीरीज़ में देखते जाए आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 11 का बी पार्ट है, फर्स्ट पार्चुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसको यानी कि स्टेट फंक्शन का भी नाम देते हैं या फिर स्टेट ऑफ अ सिस्टम का नाम भी देते हैं फर्स्ट पार्चुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को। लास्ट वीडियो हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्चुलेट पर बात कर ली थी। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब हम जो फर्स्ट पार्चुलेट है इसको हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो ला जो इसमें ये बात रखिएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हमें तीन तीन क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो हम उसकी जो स्टेट होती है क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल, उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका स्टेट को हम एज अ बिहेव स्टडी करते हैं एज अ वेव फंक्शन के तौर पर। यानी कि एक स्टेट को क्वांटम मैकेनिक्स में एज अ वेव फंक्शन के तौर पर उस वक्त स्टडी करते हैं जब हमें तीन क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ अ क्वांटम स्टेट इज डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली एट अ टाइम टी। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है कि एक क्वांटम स्टेट है, क्वांटम स्टेट है वो एट अ टाइम टी पर कैसे डिस्क्राइब हो रही है। हाउ अ क्वांटम स्टेट इज डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली एट अ टाइम टी। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है, टाइम पर कैसे डिपेंड करती है जो स्टेट है वो टाइम पर कैसे डिपेंड करती है या कैसे डिस्क्राइब करते हैं हम उस स्टेट को, क्वांटम स्टेट को टाइम के लिहाज से। ओके, पहला क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन ये है, हाउ टू कैलकुलेट डायनामिक वेरिएबल्स। हाउ टू कैलकुलेट डायनामिक वेरिएबल, इसका मतलब ये है कि अब उस स्टेट के थ्रू हम कौन कौन से डायनामिक वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं, कौन सी स्टेट जो हम क्वांटम स्टेट को स्टडी कर रहे हैं उस क्वांटम स्टेट के थ्रू, उस क्वांटम स्टेट के जरिए हम किन किन डायनामिक वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फाइंड द क्वांटम स्टेट एट अ लेटर टाइम टी नॉट। टाइम यानी कि जिसको हम टाइम एवोल्यूशन का भी नाम देते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टाइम एवोल्यूशन, यानी कि एक यहाँ टाइम टी था तो यहाँ टाइम टी नॉट है, यानी कि टाइम गुजरने के साथ साथ उस क्वांटम स्टेट की क्या कंडीशंस हो रही है, वो किस स्टेट में जा रहा है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन जो क्या जब स्टार्टिंग टाइम था उसकी और जब एट अ लेटर टाइम था क्या उस स्टेट में कोई डिफरेंस आया या नहीं आया। तो ये तीन क्वेश्चन है। अगर इन तीन क्वेश्चंस का हमें क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में अगर हमें आंसर मिल जाता है तो हम तो हमें स्टेट का पता चल जाता है, स्टेट के मुतालिक, क्वांटम स्टेट के मुतालिक पता चल जाता है कि एक स्टेट है वो कैसे बिहेव कर रही है एज अ वेव फंक्शन के तौर पर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन क्वांटम मैकेनिक्स द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इज स्पेसिफाइड बाई फॉलोइंग थ्री क्वेश्चन। इन क्वांटम मैकेनिक्स द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इज स्पेसिफाइड बाई फॉलोइंग थ्री क्वेश्चन। अगर हमें तीन क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो हम उस पार्टिकल की स्टेट को क्वांटम मैकेनिक्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी इन तीन क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हम पाँच पाँच पार्चुलेट्स के जरिए फाइंड करते हैं। उन पांच पास पास्टुलेट्स में से जो पहला पास्टुलेट है वो हमारे पास ये है कि स्टेट फंक्शन है हमारे पास, क्या क्या है, स्टेट फंक्शन है या फिर इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ये है हमारे पास पांच में से एक पहला ये है हमारे पास। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि द स्टेट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम एट अ गिवन इंस्टेंट टाइम इज डिस्क्राइब्ड बाय वेक्टर साई आर वेव फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस ऑफ अ सिस्टम। यानी कि जो हमारे पास ये स्टेट ऑफ फंक्शन है जो यह वेव फंक्शन है एट अ गिवन टाइम इन क्वांटम मैकेनिक्स वो हम डिस्क्राइब करते हैं इस फंक्शन के जरिए, इस फंक्शन के जरिए या वेव फंक्शन या वेक्टर के जरिए।
ओके, और जो ये है ये किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस का, जो ये मेरे पास एलिमेंट है ये पार्ट है। अब ये हिल्बर्ट स्पेस क्या है, लीनियर हिल्बर्ट स्पेस क्या है, इसको हमने स्टार्टिंग वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ओके, दोबारा फिर सुन लीजिएगा कि जो क्वांटम मैकेनिक्स मैकेनिकल सिस्टम का की जो स्टेट होती है एट अ गिवन टाइम, वो हम डिस्क्राइब करते हैं इस वेक्टर के जरिए, इस वेव फंक्शन के जरिए। ओके, और जो ये वेव फंक्शन है ये एलिमेंट है, पार्ट है ऑफ हिल्बर्ट स्पेस का। ओके, यानी कि अब जो हमारे पास फर्स्ट पास्टुलेट है ये हमें वो तमाम चीज़ें मुहैया करता है, देता है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती हैं। अब जो हमारे पास ये स्टेट है, जो हमारे पास वेक्टर है, ये दो फॉर्म में हो सकता है, या तो एक्स टी की फॉर्म में हो सकता है या फिर पी टी की फॉर्म में हो सकता है। ओके, ये हमारे पास क्या है, मोमेंटम है, और ये हमारे पास क्या है, पोजिशन। अब पोजिशन इधर वन डायमेंशन में हो सकती है, टू डायमेंशन में हो सकती है, थ्री डायमेंशन भी हो सकती है। और हमारे पास ये स्टेट्स हैं, हमारे पास क्या है, ये दोनों क्या है, ये हमारे पास स्टेट्स ऑफ सिस्टम है। ये पोजिशन स्पेस है, ये हमारे पास मोमेंटम स्पेस है, बोथ आर स्टेट्स ऑफ आवर सिस्टम। इसको हम इसकी इक्वल भी लिखते हैं, इस जगह आप आर भी लिख सकते हैं। ओके, आर इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास। ओके, ये हमारे पास क्या पोजिशन स्पेस है, ये हमारे पास क्या है, मोमेंटम स्पेस है। अब जो हमारे पास एक फंक्शन है ये उसी वक्त स्टेट फंक्शन कहलाएगा अगर वो तीन कंडीशन पर सेटिस्फाई हो रहा है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो उस स्टेट को हम स्टेट फंक्शन का नाम नहीं देंगे, या उस फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन का नाम नहीं देंगे इन क्वांटम मैकेनिक्स। पहली बात, यानी कि जो हम हमारे पास है वेक्टर, जो हमारे पास साई है जो हम ले रहे हैं, यानी कि एट अ टाइम टी है, तो इसका हम पहले सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, फर्स्ट इसका हम पहले लेते हैं डेरिवेटिव लेते हैं, ये है, यानी कि जो मेरे पास है ये है, इसको थ्री कंडीशन पर सेटिस्फाई होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि फाइनाइट, सेकंड क्या है कि यानी कि जो इसका आंसर है वो फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यानी कि इसको हम दूसरे लफ्ज में यही कह सकते हैं कि स्क्वायर इंटेग्रेबल होना चाहिए, इंटेग्रेबल होना चाहिए, इसका जो आंसर होना चाहिए वो फाइनाइट आना चाहिए। ओके, ये देखिए जो मेरे पास वीडियो है, वीडियो नंबर 3 ए स्क्वायर इंटेग्रेबल फंक्शन पर ही बनी हुई है हमारी। सेकंड कंडीशन क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए। और थर्ड मेरे पास कंडीशन क्या है कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मेरे पास सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। डन। अब अगर इसको हम एक मिसाल के जरिए समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं कि ये देखिए हमारे पास इस ये मिसाल 3.1 में दी गई है कि हमारे पास साई है जो कि इक्वल है हमारे पास 3 साइन आयोटा पाई एक्स है। हमें ये चेक करना है क्या ये फिजिकल वेव फंक्शन है या नहीं, या अनफिजिकल है। ओके, यानी कि दूसरे लफ्ज हमें ये फाइंड करना है कि जो ये फंक्शन है ये स्टेट फंक्शन है क्वांटम मैकेनिक्स में या नहीं। ओके, अब इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या ये आ गया, ये आ गया। तो अब यहाँ फर्स्ट फाइनाइट होना चाहिए, तो वैल्यू अगर आप एक्स की वैल्यू पुट करें 0 या 90, तो जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास जो इसकी वैल्यू आंसर आएगा वो फाइनाइट आएगा, फाइनाइट केस में नहीं आएगा। सेकंड क्या है कि इसका जो ये है कंटिन्यूज है, यानी कि जो कॉज है उसमें जो ग्राफ होता है वो डिसकंटिन्यूज नहीं होता हमारे पास। ओके, हमारे पास डिसकंटिन्यूज नहीं होता। और थर्ड पे क्या है कि सिंगल वैल्यूड आती है इसकी, यानी कि सिंगल वैल्यूड का क्या मतलब है कि जब इसमें से कोई एंगल पुट करते हैं तो मेरे पास सिंगल वैल्यू आती है। और फाइनाइट का मतलब क्या है कि जो मेरे पास कॉज है इसकी स्पेशल वैल्यू है नेगेटिव 0 से लेकर पॉजिटिव 1 के दरमियान, ये एक लिमिट है, फाइनाइट लिमिट है, कंटिन्यूज है कि ये कहीं भी ब्रेकअप नहीं हो रहा है, कहीं भी ये डिसकंटिन्यूज नहीं हो रहा है। सिंगल वैल्यू का कोई भी एंगल पुट करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो सिंगल आएगी, वो यानी कि अनडिफाइंड इसकी जो वैल्यू है वो नहीं आएगी।
लिहाजा जो हमारे पास ये एग्जांपल है, ये फंक्शन है, ये एज अ कहलाता है एज अ वेव फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वेव फंक्शन के तौर पर क्वांटम मैकेनिक्स में। अब इसके बाद इसी फर्स्ट पार्शियलिटी में आ जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाती है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेट फंक्शन है क्वांटम मैकेनिक्स में, इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता, लेकिन अगर हम इसके नॉर्म का स्क्वायर लें तो वो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ समथिंग होंगी, यानी कि फिजिकल मीनिंग उसका हो जाएगा अगर हम इसी वेव फंक्शन के नॉर्म का स्क्वायर लेंगे। अदरवाइज क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट फंक्शन का कोई भी फिजिकल इसका मीनिंग नहीं है। ओके, ये एक आइडिया किसने दिया था? बोर्न ने। बोर्न प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन के थ्रू, बोर्न्स प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन के इसके मुताबिक जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है? ये इसकी इक्वल होती है। ओके, ये हमारे पास है, ये नॉर्म का स्केयर है हमारे पास, यानी कि मॉड का स्केयर हमारा डन हो गया। अब जो हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम, यानी कि एट अ गिवन टाइम हमारे पास है, टाइम है तो एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स के दरमियान, यानी कि किसी भी पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है एट अ गिवन टाइम टी एक्स और एक्स प्लस डी एक्स के दरमियान, हम इस फार्मूले के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी होती है इन सिस्टम में वो इज इक्वल टू वन के इक्वल होती है, ये मेरे पास इसके इक्वल होती है। ओके, ये हमारे पास डी एक्स है। ये हमने जो इंटीग्रल है ये वाला, ये क्यों इस्तेमाल किया? अगर हमारे पास सिस्टम क्या है? कंटिन्यूज है। अगर हमारे पास सिस्टम डिसकंटिन्यूज या सॉरी डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मोशन में है या डिस्क्रीट सिस्टम है, तो उस वक्त फिर हम इसकी बजाय ये समीशन यूज़ करेंगे।